हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस हो रही है संडे से आप सेंटेंसेस पर, राइट। बट फ्रेंड्स, आपकी दो क्लासेस और होंगी सिंपल सेंटेंस पर, उसके बाद में दो क्लासेस आपकी होगी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पर, उसके बाद आपका सेंटेंसेस का जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैडम फ्रेंड्स। और अगर आप वीडियो के तक बने रहते हैं, जब तक आपकी क्लासेस होंगी पूरे सेंटेंसेस की क्लासेस को देख लेते हैं, तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि यही बनने हैं। कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या बोर्ड एग्जाम में या कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आपको कंबाइन करने के लिए आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसे ना जानते हो। बिकॉज कोई भी रूल, किसी भी रूल को मैं छोड़ता नहीं हूँ, सभी रूल्स को डिटेल में आपको समझा कर पढ़ाता हूँ, राइट। और काफ़ी अन्य जो वीडियोज भी पड़े हुए हैं काफ़ी चैनल्स पर कि एक घंटे में, ठीक है, या दो घंटों में या एक ही वीडियो में पूरा सेंटेंस खत्म, पूरा सेंटेंस खत्म, तो भैया ये वाली जो पढ़ाई है, राइट, ये पढ़ाई की ओर उसी तक सीमित रहती है, राइट। लेकिन जो एक बेस बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, इसे आप कभी भूलने वाले नहीं है। ये अगर आप आगे कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब भी आपके काम आएगा, और अगर बोर्ड एग्जाम देंगे तब तो आपके काम आएगा ही। गलती की चांसेस होगी, बहुत ही 0% होगी, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग वीडियो के अंत जरूर बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि थोड़ा सा देख कर किसी भी चीज को आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो किसी भी किताब को उसके कवर से देखकर जजमेंट करिए, अंदर तक समझिए चीज़ों को, ठीक है, कोशिश करिए समझने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें, आप लोग ध्यान से समझिए। पीडीएफ नोट्स अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो आइए समझते हैं बहुत चीज़ें से। और जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, इसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर वर्ब के लोग करने के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो डिफरेंस, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये पहले इसी को समझ लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंस, पहले हम समझते हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। डिफरेंस समझते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए उसी वाक्य में अथवा अन्य वाक्य में, राइट, अन्य वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया रहता है, तो एडजेक्टिव को उसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से ठीक पहले रखकर वाक्य को कंबाइन कर दिया जाता है। जहां से एडजेक्टिव को हटाते हैं वहां से उसके अन्य शब्दों को भी हटा देते हैं। आइए करते हैं सेंटेंस को कंबाइन और समझते हैं अपने रूल को। देखिए हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, अ डॉग बीट हिम ऑन द वे। अ डॉग यानी एक कुत्ता, बीट हिम ऑन द वे यानी एक कुत्ते ने उसे रास्ते पर काट लिया। द डॉग वॉज मैड यानी कुत्ता पागल था। द वे वॉज हिली यानी जो रास्ता था वो पहाड़ी था, ऊपर खबर था, पहाड़ी था रास्ता, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए रूल में क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है या कोई स्थान है, एक सेंटेंस में तो वो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी विशेषता उसी सेंटेंस में या फिर अगले सेंटेंस में बताई जा रही है। तो अगर नेक्स्ट सेंटेंस में यानी जो उसका अन्य सेंटेंस है उसमें बताई जा रही है, तो वहां से उस एडजेक्टिव को उठाकर ठीक उसी के आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अ डॉग, एक कुत्ता। अब कुत्ता कैसा था? पागल। तो इस कुत्ते का विशेषता यानी उस कुत्ते की विशेषता यहाँ पर बताई जा रहा है इस सेंटेंस में कि कुत्ता पागल था, मैड। अब इस मैड को उठाकर लाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम अ मैड डॉग, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे ये दावे, दावे क्या है? एक स्थान है, ठीक है। अब इस स्थान की विशेषता यहाँ पर इस थर्ड सेंटेंस में बताई जा रही है कि दावे वाज हिली यानी रास्ता पहाड़ी था, ठीक है। तो इस हिली को उठाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यानी द वे ऑन द हिली वे हो जाएगा हमारा। आइए करते हैं कंबाइन, देखिए आ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डॉग से पहले, क्योंकि डॉग की विशेषता मैड के द्वारा बताई गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे आ मैड डॉग, फिर जो है ऐसे लिख देंगे बिट हिम ऑन। अब ये जो दा है वे, ठीक है, इस दा वे की विशेषता बता रहा है कि ये हिली है यानी पहाड़ी है, यानी यहाँ पर हिली का प्रयोग करेंगे, यानी ऑन द, सॉरी यहाँ पर पहले दा लिखेंगे अब लगाएंगे हिली वे, क्लियर। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जहां से एडजेक्टिव को हटाते हैं यानी यहां से हटाया तो इस पूरे पोर्शन को हटा देंगे, यहां से इसको उठाया तो इस पूरे पोर्शन को हटा देंगे, राइट, यानी जहां से एडजेक्टिव को हटाते हैं वहां से उसके अन्य शब्दों को भी हटा देते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने का हम लोग क्या करें, तो इसे हटा देंगे, अगर यहां से हटाते हैं तो ये भी कैंसिल कर देंगे पूरा, तो हमारा क्या होगा, आ मैड डॉग बिट हिम ऑन द हिली वे यानी एक पागल कुत्ते ने उसे काट लिया पहाड़ी रास्ते पर, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज अ पॉइट, वह एक कवि है, ही इज वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है क्या है, एक नाउन है ठीक है, एक व्यक्ति है पॉइंट। अब इनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इस वेरी फेमस को उठाकर कहाँ लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी क्या लिखेंगे, ही इज अ वेरी फेमस पॉइंट। अब यहां से इसको हटाया यानी इतने को हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी ही इज अ वेरी फेमस पॉइंट, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए समझ लेते हैं कि कैसे हम वर्ब के लोग करने के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। डिफरेंट्स, अब हम समझते हैं कि कैसे हम वर्ब के लोग करने के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। बट डिफरेंट्स, लोप इस शब्द को पहले समझ लेते हैं। लोप मतलब होता है गायब करना, है समाप्त करना ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी चीज को गायब नहीं करेंगे, हम वर्ब को गायब करेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग वर्ब के लोप करने के द्वारा। रोल नंबर फर्स्ट है इसका, इस प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्यों में वर्ब लगभग एक ही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, ही वेंट, यानी वेंट जो है वर्ब लगभग एक ही है राइट। यानी इस प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्यों में वर्ब लगभग एक ही होती है। उसके बाद प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए बाई प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ कोई वाक्यांश लिखा हुआ है, लिखा होता है, तब दूसरे वाक्य की वर्ब यानी जो तुम्हारा दूसरा वाक्य का वर्ब है ठीक है, वर्ब तथा उससे पहले लिखे हुए यानी इतने पोर्शन को हम हटा देते हैं ठीक है, उससे पहले लिखे हुए शब्दों को हटा दिया जाता है और बाकी शब्दों को पहले वाक्य से जोड़ दिया जाता है, यानी इस वाले पार्ट को यहाँ आगे से लाकर जोड़ देंगे। आइए देखते हैं कि कैसे कंबाइन करते हैं। देखिए, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट बाय मॉर्निंग ट्रेन, वह आगरा गया ठीक है, वह सुबह की ट्रेन से आगरा गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो वेंट है यानी दोनों वाक्य की वर्ब सेम है, क्लियर माय फ्रेंड्स। तो इस पोर्शन में हम क्या करते हैं, वर्ब का लोप कर देते हैं। तो वर्ब समान है इसलिए वर्ब का लोप कर देंगे, यानी इस वाले वर्ब को हटा देना ही वर्ब का लोप कहलाता है ठीक है। तो जब इसका लोप करेंगे, इसे हटाएंगे, तो इसे भी हम हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो समान है, यानी इतने पोर्शन को हमने हटा दिया। अब बचा क्या, बाई मॉर्निंग ट्रेन, इसे यहाँ पर लाकर ऐसे कर देंगे कंबाइन क्यों। तो ही वेंट टू आगरा, देखिए अब बाय मॉर्निंग ट्रेन, राइट, यानी वह आगरा सुबह की ट्रेन से गया। अ डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन है, यानी सेकंड एग्जांपल, द पॉइंट कंपोज्ड अ पोएम, यानी एक लेखक ने ठीक है, एक कवि ने एक कविता लिखी, ही डिड सो इन अ गार्डन, उसने ऐसा एक बगीचे में किया, यानी एक कवि ने एक बगीचे में एक कविता लिखी, यानी उसने ऐसा एक बगीचे में किया। अब यहां पर देखिए भैया कंपोज्ड ठीक है, तो डिड सो इतने वाले पोर्शन को हटा देंगे ठीक है, यानी ऐसा करना मतलब कंपोज यानी लिखना ही हुआ, और ही हमारा पॉइंट के लिए आया है, यानी इतने पोर्शन को हटाएंगे। और ये देखिए प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ जो वाक्यांश है ठीक है, इसको ऐसे लाकर जोड़ देंगे, यानी द पॉइंट कंपोज्ड अ पोयम इन अ गार्डन ठीक है, यानी द पॉइंट कंपोज्ड अ पोयम, लेखक यानी कवि ने एक कविता लिखी इन अ गार्डन बगीचे में। डिफरेंट थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, ही सॉ अ टैंक, उसने एक टैंक देखा, द टैंक वॉज नियर अ स्कूल, टैंक एक स्कूल के पास था। तो ये देखिए ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ वाक्यांश है हमारा, इसी को लाकर जोड़ देंगे, द टैंक वाज इतने पोर्शन को हटा देंगे, तो ही सॉ अ टैंक अब नियर अ स्कूल, यानी ही सॉ अ टैंक नियर अ स्कूल, यानी उसने स्कूल के पास एक टैंक देखा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, मैंने बहुत ही डिटेल बहुत ही आसानी से बहुत ही सरलता से आपको समझा दिया है, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा ठीक। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके या फिर वर्ब का लोप करने के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, वर्ब का लोप करना मतलब वर्ब को हटा देना, तो लोप करना का जो सीधा सीधा मतलब हुआ हटा देना होना राइट। यहाँ पर हम लोग वर्ब को हटा देते हैं क्योंकि वर्ब समान होती है। तो आई होप कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा।
और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करें। तो डिफरेंस कैसे लगी आपको क्लासेस, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ क्लासेस समझ में आई या नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। इससे मैं पता चलता कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है, और अच्छे से उन्हें आगे समझ में आएगा अगर किसी प्रकार की वीडियो उन्हें मिलते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो तुरंत लीजिए फ्री एडमिशन वाई टॉपर फेस 2023 में, जहाँ पर आपको मिलते हैं पर डे डेली क्लासेस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, आपका होमवर्क चेक किया जाता है, आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है, राइट। और आने वाले टाइम में लगभग बात करेगा, अभी चल रहा है अक्टूबर, ये समझ लीजिए कि लगभग 2 से 2.5 महीने पहले आपका जो कोर्स है कम्प्लीटली आपके हाथ में होगा, और उसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, और जो होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और मॉडल पेपर्स, और इन्हीं सब पर आपकी क्लासेस होंगी। यानी इतने शार्पली आपको ट्रेन कर दिया जाएगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में कि आप 95+ मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको कहा है, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने सोचा है वैसा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहिए, साथ साथ किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए और अंत जरूर देखिए। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, यानी आपके लिए खुला चांस है कुछ नया करने का। तो अपॉर्चुनिटीज को हाथ से गवाइए मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नॉट वंस, जो मौके हैं वो दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही चीज़ें पड़ती रही, और मिलेंगे कल 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते तैयार बहुत अच्छे से, और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। माय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, शूट मोर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।